श्री शिवाय नमस्तोभ्यं महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी लोगों को पता है 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष यानी कि पित्त पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। और यह जो 16 दिन होते हैं जो आपके पितरों को समर्पित होते हैं और आपके जो पितृ देवता है पितृलोक से आपके घरों में आते हैं, मात्र आपको यह छोटा सा उपाय करना है। तुलसी जी में आपको थोड़ा सा गंगा जल छीटना होगा। आपको यह कार्य 5 बार करना होगा, आपके पितरों को सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से पितृ दोष को दूर करेंगे, साथ ही साथ इनसे आपके पितरों को सीधे मोक्ष का प्राप्ति होगी और इसी के साथ आपके घरों की उन्नति होगी। साथ ही साथ आपकी जितनी भी मनोकामना होगी वो सभी परिपूर्ण होंगी। घर में धन की आवत होगी, घर में कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होंगे और जितने भी गृह क्लेश हैं वो सभी भी दूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ध्यान रखना, जिन घरों के पितृ प्रसन्न रहते हैं उन घरों में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और घर के प्रत्येक व्यक्ति की हमेशा उन्नति होती रहती है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय होगा वो आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला है। तो गुरु जी ने यह वाला उपाय अपनी हैदराबाद की कथा में बताया था। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं। इन 16 दिनों में आप किसी भी दिन कर सकते हैं और आप इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं और आपको कम से कम एक दिन तो श्राद्ध पक्ष के दौरान इस उपाय को करना ही है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है और साथ में आपको एक खाली कटोरी या खाली पात्र लेना है। तो इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है, जहाँ वहीं आपके घर में तुलसी माता जी का स्थान है वहां पर आपको पहुंच जाना है इन दोनों सामग्री को लेकर। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया इस उपाय को आपको शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले पहले ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पौधे को जल अर्पित नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको अपना दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखना है। दक्षिण दिशा में आपको मुंह अपना इसीलिए रखना है कि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की मानी गई है और दक्षिण दिशा से ही पितर धरती लोक पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो खाली कटोरी है वहाँ वो आपको तुलसी जी के वहां पर रख देना है। देखिए दोस्तों, कटोरी को वहां पर रखने के बाद आपका जो दाहिना हाथ है तो उसे आपको तुलसी जी के सामने रखना है। अब आपको दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए जो आपने अपनी सीधे हाथ की हथेली में जो थोड़ा सा गंगा जल लिया था उसको आपको उसी कटोरी के अंदर डाल देना है। यह जल आपको तुलसी जी में नहीं छोड़ना है, जो आपने खाली पात्र लिया था उसके अंदर आपको यह जल डालना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया ये प्रक्रिया आपको 5 से लेकर 7 बार करनी है, यानी कि आपको 5 बार अपने सीधे हाथ की हथेली में गंगा जल लेना है और 5 बार ही आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए सीधे हाथ से अपने कटोरी में जो अपने पात्र लिया था उसके अंदर आपको गंगा जल डालना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने सीधे हाथ से उस पात्र के अंदर गंगा जल डालेंगे तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, अब जो आपने खाली पात्र को वहां पर रखा था उसी खाली पात्र को आपको वहीं पर तुलसी जी के पास में 4 या 5 घंटे रखे देने देना है और आप 1 घंटे के लिए भी इस कटोरी को रख सकते हैं। दोस्तों, शाम के समय आपको इस कटोरी को उठा लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस जल को आपको किसी भी वृक्ष के नीचे से आकर समर्पित कर देना है। हो सके तो आपने गुरुजी ने 3 वृक्ष बताए उन्हीं के नीचे आपको समर्पित करना है, यानी कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्र या बरगद के पेड़ के नीचे ही आपको इन तीनों में से किसी वृक्ष के नीचे ले जाकर इस जल को जड़ में समर्पित कर देना है। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को पितृ पक्ष के दौरान 1 बार कर लेता है तो उसके पितृ को सीधा मोक्ष प्राप्त होता है और जिस घर के पितरों की मोक्ष प्राप्ति हो जाती है उन घरों पर सीधे सीधे महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मैया पार्वती जी का हाथ उनके सर पर होता है और आपके जो भी कार्य पितरों की सहायता से रुके हुए थे वो आपके पितरों की कृपा से आपके सभी कार्य परिपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको यह चमत्कारी उपाय 1 बार जरूर करना है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपके घर में विशेषकर सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है, साथ ही साथ धन प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ परिवार की उन्नति के लिए यह उपाय होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्याली सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है बेलपत्र कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले एक बेलपत्र है उसको आपको उसी पात्र के अंदर सबसे पहले डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो पात्र के अंदर आप जो बेलपत्र डालेंगे उसकी जो डंडी है वो आपको ऊपर की साइड रखना है, तीनों बेलपत्र की पत्तियां वो आपको नीचे की साइड रखनी है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र उस पात्र के अंदर डाल देना है। तो अब इस पात्र को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है। तो अब इस पात्र को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, सारे कमरों में लेकर के आपको इस जल को घूम जाना है, केवल आपको वॉशरूम इत्यादि स्थानों पर नहीं घूमना है। तो अब इस जल के पात्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, अब आपको अपना जो मुख है वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और इसी 1 लोटे जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तोभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए। तो आपने ये 1 लोटा जल जो समर्पित किया है शिवलिंग के ऊपर, इसका सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। तो देखिए,
दोस्तों, लोटे के अंदर आपके अगर शिव बेलपत्र रह जाता है तो उसको आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते समय उसकी डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखनी है, इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पितृ पक्ष के दौरान ये चमत्कारी उपाय जरूर करना है। तो आप जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय को आपको जरूर करना है। अगर आपके घर में पितृदोष है, अगर आपके घर में काल सर्प दोष है, किसी भी प्रकार का यदि दोष है, तो इस उपाय के माध्यम से वह दोष दूर होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है, और इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल ले लेना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया अगर आप एक चुटकी काले तिल ले लेते हैं, लेकिन यह जो 16 दिन होते हैं, ये आपके पितरों यानी कि आपके पूर्वजों के दिन होते हैं, इसीलिए इन्हें 16 श्राद्ध कहा जाता है। तो आपको यह 16 श्राद्ध का फल एक ही उपाय के अंदर अगर प्राप्त करना है, तो इसीलिए आपको 16 काले तिल के दाने लेना है। प्रत्येक एक दिन का आपको एक काले तिल का दाना लेना है, इसलिए आपको 16 तिल के काले दाने ले लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो 16 काले तिल के दाने, उनको आपको एक एक करके उसी पात्र के अंदर आपको डाल देने हैं, और प्रत्येक बार आपको ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और एक एक काले तिल का दाना आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 2 सफेद फूल लेना है। सफेद फूल आपको इसीलिए लेना है क्योंकि पितरों को सफेद फूल बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो आपको 2 सफेद फूल लेने हैं, और ये 2 सफेद फूल को भी आपको इसी पात्र के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको इस लोटे को लेकर के आपको पहुंच जाना है उस पीपल के वृक्ष के वहां पर, मतलब पीपल के वृक्ष के पास में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष नहीं है, तो आपको बरगद के वृक्ष के पास में लेकर के पहुंच जाना है इस लोटे को। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास अगर बरगद का पेड़ भी नहीं है, तो आपको ये लोटे को लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। तीनों वृक्षों को देव वृक्ष माना गया है, तीनों ही वृक्ष देवपितरों के तुल्य माने गए हैं। तो आपको तीनों वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है इस पात्र को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान महादेव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी पितृदोष उत्पन्न नहीं होता है, पितरों से जुड़ी हुई इसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको इन तीनों वृक्षों में से लेकर के आपको किसी भी एक वृक्ष के नीचे इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना है, और आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखना है, और आपके पास में जो एक लोटा है, उसमें आपने 2 सफेद फूल डाले और 16 काले तिल डाले, उसको आपको उस पीपल के जड़ में, या वो आप तीनों वृक्षों में से किसी के पास में गए उसकी जड़ में आपको यह लोटे को समर्पित कर देना है ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। यदि दोस्तों आपके पितर प्रसन्न होते हैं, तो वो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, और आपके परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति होने लगती है, और साथ ही साथ आपके जितने भी कार्य अटके हुए हैं, वो भी सभी परिपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष को दूर करने के लिए, तो यह उपाय आपको जरूर करने हैं। अगर उपायों से जुड़ा हुआ अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमः। शुभम हर हर महादेव।